बात असम की करते हैं। असम की हुकूमत ने सरकारी पैसों से चलने वाले सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया। असम सरकार का कहना है कि अवाम के पैसों की फिजूल खर्ची अब नहीं होगी, लेकिन अपोजिशन के लीडर का कहना है कि अभी चाहे बीजेपी सरकार अपना फैसला नाफिज करा ले, लेकिन मुस्तकबिल में अगर उनकी सरकार आई तो वे इसे वापस नाफिज करेंगे। क्या है ये फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। हम सरकारी मदरसा को बंद करेगा। ये है असम सरकार में वजीर हेमंत बिस्व शर्मा। असम सरकार ने फैसला लिया है कि आगे से आवाम के पैसे से चल रहे रियासत के सभी सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। साथ ही सरकारी मदद से चलने वाली संस्कृत तालीम भी बंद करनी जाएगी। पहले आप हेमंत बिस्व शर्मा का बयान सुनिए, फिर हम आपको इसकी मुखालफत के बारे में बताएंगे। ने एक निर्णय लिया है कि नवम्बर महीना से हम सरकारी मदरसा को बंद करेगा। उनका नोटिफिकेशन अभी प्रिपरेशन स्टेज में है और ये नोटिफिकेशन हो जाने का बाद हम आप लोग का साथ वो शेयर कर लूंगा। आवाम के पैसे से मजहबी तालीम बंद करने का नोटिफिकेशन नवंबर में जारी होगा, लेकिन असम सरकार के इस फैसले की मुखालफत हो रही है। AIUDF सरबरा और पार्लियामेंट में MP बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार मदरसों को बंद कर देगी तो उनकी सरकार इन्हें फिर से खोलेगी। असम में अगले साल असेंबली इंतखाबात की तजवीज है। बीजेपी सरकार अक्सरियत के रथ पर सवार है, ऐसे में सरकारी पैसों की बचत की बात को इंतखाबी मुद्दा तो बनाया ही जा सकता है, और बदरुद्दीन अजमल भी शायद इसी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।